ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. मोमिन अपनी ज़िंदगी के शब-ओ-रोज़ उम्मीद में गुजारता है जी, पुर उम्मीद होता है, खुश रहता है। एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है मोमिन के चेहरे पे, एक सकीनत होती है, दिल में भी खुशी, बाहर भी खुशी, अंदर भी खुशी। और इस तरीके से एक इंसान अपने आप को अल्लाह की नज़रों में जमा लेता है कि देखना मेरे साथ अच्छा ही होगा, फिर आप दुनिया में भी अच्छे होंगे और आखिरत के नाते से भी अच्छा ही सोचेंगे। ये भी नहीं कि सारी उम्मीदें काट दो। कुछ लोग हैं, यकीन करें कि वो रिश्तों को काट लेते हैं, उनके रिश्ते कभी नहीं जुड़ते। लिख ले, नाउमीद शख्स कभी लोगों के साथ खुश नहीं रहेगा और उसके साथ भी लोग खुश नहीं होंगे। लोग उसके घर जाना पसंद नहीं करेंगे, वो बुलाएगा भी तो कहेंगे नहीं टाइम ही नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि आप परेशान हैं, आपको उससे मिलकर नाउमीदी होती। कोई कहता है तुम्हें क्या हो गया, और कुछ लोग हैं ना बात ही कड़वी करेंगे, मोटे हो गए हो, पतले हो गए हो, रंग काला हो गया, आज क्या लगा दिए मुँह को, आज ये कपड़े तो नहीं तुम्हें सजे। छोड़ दें ऐसे लोगों को, मत मिले उनको। तो इन सारी चीज़ों से बचते हुए एक इंसान हमेशा खुशी का इजहार करे, मेरा रब बड़ा प्यारा है और मैं उसके साथ अच्छी उम्मीदें रखती हूँ। फिर उसके बाद एक और सवाल है कि गुनाहों के बावजूद तौबा करना और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाना, ये क्या है? बेहतरीन बात है। मेरी ज़िंदगी में गुनाह थे, हज़रत मूसा याद कीजिए, हाँ मेरे से हुआ था कत्ल, जब मैं ना समझता, मैं जाहिलों में से था, मुराद ये कि अनजाने में कत्ल हो गया, कत्ल खता हुआ, तो शर्माए नहीं। फिरौन के इस ताने के ऊपर उन्होंने अपने आप को कोसा नहीं कि हाय हाय मैंने दीन का काम नहीं करना, मैं तो इतने बुरे काम करती थी, मेरी दोस्तों को सब पता है, मैं तो क्या क्या महफिलें सजाती थी, मैं तो गुनाहों के प्रोग्राम अरेंज करती थी, अब मैं नेकियों के करूं, मैं अपने घर में दर्स रखूं, तौबा तौबा। लोग कहेंगे इनको क्या हो गया, छोड़ दीजिए। यस, तौबा के बाद उम्मीदें लगाइए अल्लाह की रहमत की, इसको पॉजिटिव उम्मीद कहते हैं। यानी अगर आपने अपनी ज़िंदगी में गुनाहों में कुछ वक्त गुजार दिया है तो डोंट वरी, अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपके लिए बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ें रखी हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। तो गुनाहों के सारे मामले, सारे दरवाजे यक तक काट दीजिए, कैंची लीजिए तौबा की और सारे गुनाहों के चक्कर काट दीजिए। फिर इंशाल्लाह महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में इतना हुस्न आ जाएगा कि आप वाकई अपने आप को खुश महसूस करेंगे। कुछ और मिला ना मिला, आपको दिल का सुकून और दिल की खुशी ज़रूर मिलेगी, ये मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ। फिर याद रखिए कि बाज़ लोग जो होते हैं ना, वो मौत या दुनिया से रुखसत होते वक्त क्या कैफियत रखते हैं, उनको इसमें क्या करना चाहिए, तो इसमें भी आपको मुझे चंद बातें अपने लिए नोट करने की हैं। लिखिए, सिर्फ इस बात पे रहकर कि मैं गुनाहों के बावजूद तौबा की उम्मीद करता हूँ। एक बंदा दुनिया से जा रहा है, मौत का वक्त है, उसके बारे में क्या हुक्म है? हुस्न ज़न रखिए आप भी उसके लिए, वो भी हुस्न ज़न पे रहे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। यानी जो गुमान करेगा मैं उसके साथ वही करूँगा, अच्छा गुमान करेगा तो अच्छा करूँगा, बुरा करेगा तो बुरा करूँगा। तो मौत के वक्त अगर आपके सामने कुछ सारी ज़िंदगी का गुनाहगार भी, अब क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया, अब कोई है नहीं है गुंजाइश, कोई नया काम आप कर नहीं सकते। ये ऐसे ही है, मेहमान आ गए, अब जो पकना था पक गया, रिलैक्स रहिए, खाना पूरा होगा। अब उस वक्त हॉल रहे हैं और पतीले रखे, नहीं कुछ और पका लूँ, कब ना हो। जब अमल का वक्त जो ख़त्म हो गया तो अब इसके बाद क्या होगा? तो पहली कैफियत आपको क्या लिखा रही हूँ, अल्लाह से उम्मीदें लगाने की। गुनाह है, तौबा भी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मौत आ गई है, तो मौत के वक्त में अब बस ख़त्म, जो होना था हो गया। अब दुआ अपने आप ही दुआ करें उसके लिए, तभी तो कहते हैं मैयत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा दुआ से होता है, ठीक है, इससे होगा। दूसरी बात है कि एक शख्स सभी गुनाहों में मर रहा है, यानी एक सेकंड पर्सनल नोट कीजिए कि गुनाहों की कसरत है भी, अब क्या उसको उम्मीद दिलाएं? जी, गुनाहों की कसरत पे नाउमीदों को उम्मीदें दिलाइए, क्योंकि वो गुनाह ऐसे ही हैं जैसे एक ढेर के अंदर एक बंदा फंसा हुआ और निकल नहीं रहा, और वो कहता है मैंने कौन सा बख्शे जाना है, मैंने तो इतने गुनाह किए। यहाँ एक बड़ा प्यारा वाकया हदीस में आता है एक औरत हज़रत अबू हुरैरा के पास आई और उसने कहा मैं गलत काम करती थी, तो कहने लगी कि मैंने ज़िना भी किया, ये भी किया, लेकिन आज मुझे अल्लाह का खौफ आ रहा है, तो क्या मैं बच जाऊँगी? कहने के तू कहाँ बचेगी, इतना बड़ा कबीरा गुनाह। तो वो औरत वहाँ खड़े होकर अपने जिस्म को मुखातिब करके कहती है, ए जिस्म तुफ़ है तुझ पे, तो आग में जाएगा। और रोती हुई वहाँ से चली गई। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो नबी सल्लम जब आए तो अबू हुरैरा ने वाक़या बता दिया। आपने कहा अबू हुरैरा जा उस औरत को ढूंढ, तूने उसको अल्लाह की रहमत से नाउमीद कर दिया। और अबू हुरैरा ढूंढते जा रहे हैं और उस औरत को खुशखबरी दे रहे हैं कि अल्लाह तुझे माफ़ कर देगा। तो अपनी ज़ुबानों को काबू में रखिए, खुदा के लिए। ये दीन आपको अल्लाह ने इसलिए नहीं चार लफ्ज़ पढ़ा दिए कि आप छुरियाँ बनकर लोगों को बचाएं, गुनाह में पड़े हुए शख्स को उम्मीदें दिलाइए।